बहुत सारे लोगों में ऐसा कंफ्यूजन रहता है, एक भ्रम रहता है कि ये शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी और ये वीगन, इनमें क्या फर्क है या इनमें क्या समानता है। तो चलिए आइए देखते हैं। मेरा समझ है कि शाकाहारी जो है ये एक आहार है, एक डाइट है, शाक से आहार, शाकाहारी। लेकिन शाकाहारियों का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि हमारे खाने के लिए किसी जानवर को न मारो। जानवर को मार के खाना आया वो उनको नहीं चलता, लेकिन उनको दूध, शहद और किसी किसी को अंडा, ये भी चल जाता है शाकाहारियों में, क्योंकि ये तीनों उत्पाद आने में जानवर मरते नहीं है उसी वक्त। शाकाहारियों का ऐसा है कि उनको जानवरों के दूसरे उत्पाद भी चल जाते हैं, जैसे जानवर का बाल ब्रश में आता है, जानवर का लेदर चमड़ा, लेदर बैग्स, वो भी चल जाता है, उनको ऊन भी चल जाता है जो कि बकरी से आता है, उनको रेशम भी चलता है जिसमें बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं, उनको जानवरों का एंटरटेनमेंट भी चलता है, जैसे अगर सर्कस हो तो उनको उससे परहेज नहीं है, उनको ये भी चलता है कि जानवरों को आप बंद रखें जैसे जू में या एक्वेरियम में, तो उनको उन सब से बहुत बहुत ज्यादा चिढ़ नहीं है, बहुत ज्यादा परहेज नहीं है। तो वेजिटेरियन सिर्फ आहार के रूप में कंट्रोल करते हैं। अब देखते हैं शुद्ध शाकाहारी। सच्चा शुद्ध शाकाहारी जो है वो शाकाहारी से एक कदम आगे है। वो ये कहता है कि मैं आहार में सिर्फ वनस्पति आधारित खाना खाऊंगा, सिर्फ शाक का। तो उनके लिए दूध, शहद और अंडा ये भी नहीं चलेगा। वो आहार के रूप में सिर्फ शाक से जो आया, वनस्पति आधारित जो है वही खाते हैं। लेकिन शुद्ध शाकाहारियों को भी शायद ये दूसरे सब पशु शोषण से ज्यादा एतराज नहीं है। अब देखते हैं वीगन। वीगन की परिभाषा है, जहां तक मानवीय रूप से संभव है, जीने का एक ऐसा तरीका जो जानवरों, सारे संवेदनशील प्राणी के शोषण और क्रूरता के सभी रूपों को रोकने का प्रयास करता है, चाहे वह भोजन, कपड़ा या किसी अन्य उद्देश्य से हो। वीगन एक पूर्ण जीवन शैली है, दुनिया में सोचने और जीने का तरीका। वीगन होने का अर्थ है सचेत रूप से और सक्रिय रूप से अन्य प्रजातियों, पर्यावरण और स्वयं के साथ शांतिपूर्वक, क्रूरता मुक्त जीने के लिए कदम उठाना। प्लीज समझें, आप वीगनिज्म मजहब नहीं है, ये पंथ, संप्रदाय, वर्ग, पदवी या फैशन नहीं है, ये धार्मिकता है, राइटियसनेस, ये एक सभ्य समाज की पहचान है, ये सही व्यवहार है, ये इंसानियत है। सारे जानवर स्वतंत्र रहे और हम उन्हें समान देखें, करुणा और जिम्मेदारी के साथ, यही तो मानवता है। लोग पर्यावरण, स्वास्थ्य या नैतिक कारणों की वजह से वीगन होना चुनते हैं। इसको आप सामाजिक न्याय आंदोलन भी कह सकते हैं, पशु मुक्ति के लिए। बस दो बातें, जैसे मैंने बताया, जहां तक मानवीय रूप से संभव हो, एज फार एज ह्यूमनली पॉसिबल, जहां तक आपके हाथों में हो, आप पशु क्रूरता और शोषण से बचें, आपकी वजह से न हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बस या ट्रेन में लेदर की सीट हो, सरकारी बस है, तो आप उसमें चढ़े नहीं, ये आपके बस में नहीं है, आपसे जो हो सकता है आप वो करें। हम सारे पशुओं की रक्षा नहीं कर सकते, नहीं बचा सकते, लेकिन जो 10-20 में बचा सकता हूं वो तो मैं करूं। दूसरी बात, अगर कभी आपके जान पे बना है, जिंदगी मौत का सवाल हो, तो आप प्लीज अपने आप का पहला संरक्षण करें, अपने आप का ख्याल रखें, आप दवाइयां जो चाहिए ले लें। तो ये तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस और समानता। मैंने वीगनिज्म चुना है, आप चुने जो आपके सच्चे मूल्यों के हिसाब से सही हो।